यूपी एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मना श्याम बाबा का जन्मदिन। आज दिनांक 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को श्री श्याम मंडल न्यास गोरखपुर के द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी कीर्तन का ज्योत किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष श्री विकास केजरीवाल व संरक्षक निर्मल जलान ने बताया कि श्री श्याम मंडल न्यास के द्वारा 50वें श्री श्याम महोत्सव के अंतर्गत कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्री श्याम बाबा के जन्म उत्सव के रूप में मनाया गया। इससे संध्या 7 बजे ज्योत प्रज्वलित कर संस्था के संजय टिबडेवाल ने संपत्नीक ज्योत लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत भजन गायक अदिति परशर आगरा ने सारे जग को सेठ सावरो बैठो तनखा बैठो री मुझे खाटू आने जाने की आदत हो गई है, जन्मदिन श्याम का आया श्याम तेरा मनमोहक मुखड़ा, मेरा यह दावा है सावरिया आएगा 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 लीले चढ़ सावरा से माहौल को भक्तिमय कर दिया। संस्था के महामंत्री किशन गोयन नायका जी एवं कार्यक्रम संयोजक कुंज बिहारी पोदार ने बताया कि श्री श्याम मंडल न्यास के द्वारा 50वीं श्याम महोत्सव मनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत श्री श्याम उत्सव में केक भी काटा गया और फूलों से भी होली जैसा माहौल बना। कार्यक्रम को श्री श्याम सेवकों ने व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। इसके अंतर्गत ज्योत में आए श्रद्धालुओं के लाइन में लगना, भजन श्रोता को बैठने की व्यवस्था, कार्यक्रम के अंत में प्रसाद भी बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उत्सव में संस्था के निर्मल जलान, सज्जन जलान, सुधीर टिबडेवाल, राजीव कनोडिया, ओम प्रकाश जलान, वेद प्रकाश अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, पवन टिबडेवाल, राजेंद्र अग्रवाल सहित श्री श्याम सेवक के साथ साथ हजारों श्याम भक्त उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी संस्था के मीडिया प्रभारी श्याम सुंदर जगनानी ने दी। इस अवसर पर यूपी एक्सप्रेस से सुप्रिया श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।